अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, AIOU HD की एक नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, ऑटम 2022 के एडमिशन्स कंप्लीट हो चुके हैं और जो अगला मरहला है वो है यूजर नेम और पासवर्ड्स का। ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो फ्रेश हैं, जिन्होंने न्यू एडमिशन लिया है, कंटिन्यू के लिए नहीं। आपको यूजर नेम और पासवर्ड 2 या 3 दिन में आपको सेंड कर दिए जाएंगे। वर्कशॉप शेड्यूल हो चुकी है, उसकी डेट आ चुकी है कि पहली वर्कशॉप पहला बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। और यूजर नेम और पासवर्ड आपको अगर नहीं मिलता तो आपने अपने रीजनल ऑफिस से रब्ता करना है और या फिर हेल्पलाइन पे कॉल करनी है। और अगर आप इस्लामाबाद से हैं तो इस्लामाबाद के मेन कैंपस AIOU में फैसिलिटेशन सेंटर कायम है, जहां का आप विजिट करके अपना यूजर नेम और पासवर्ड ले सकते हैं या फिर हेल्पलाइन पे कॉल करके आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए कंटिन्यू स्टूडेंट्स के लिए, तो कंटिन्यू स्टूडेंट्स का जो पुराना यूजर नेम और पासवर्ड है वही चलेगा। अगर आपका वो यूजर नेम और पासवर्ड काम नहीं कर रहा तो आपके लिए भी वही है कि आप अपने रीजनल ऑफिस से रब्ता करें या फिर हेल्पलाइन पे कॉल करके बताएं कि आपका जो पुराना यूजर नेम और पासवर्ड है वो काम नहीं कर रहा, तो आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपको बता दिया जाएगा, या फिर रीजनल ऑफिस विजिट करें तो आपको वहां से रहनुमाई मिल जाएगी। और जहां तक वर्कशॉप का ताल्लुक है, तो वर्कशॉप जब आपकी शेड्यूल हो जाएगी तो आपको मैसेज आएगा। तो मैसेज में आपको तो पता ही है कि आपके कोर्स कोड कौन से हैं और मेन वेबसाइट पे लिंक मौजूद है जहां आप चेक कर सकते हैं कि आपकी वर्कशॉप कब शेड्यूल हो रही है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई थी, मैं अगेन इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आपके कोर्स कोड की वर्कशॉप शेड्यूल हुई है या नहीं। अगर आपकी वर्कशॉप शेड्यूल हो गई है तो आपको यूजर नेम पासवर्ड नहीं मिला तो आपने मस्ट अपने रीजनल ऑफिस से रब्ता करना है अपने यूजर नेम और पासवर्ड के लिए। अगर आपकी वर्कशॉप वहां पे शेड्यूल नहीं हुई तो जब आपकी वर्कशॉप शेड्यूल होगी तो आपको SMS के जरिए यूजर नेम और पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनका नेटवर्क चेंज होता है, मींस के आपका यू फोन की सिम है लेकिन आपने उसको टेलीनॉर में कन्वर्ट किया हुआ है तो आपको मैसेज नहीं जाता, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है और आपकी वर्कशॉप जाया हो जाती है। तो कोशिश करें कि आप अपना वही नंबर यूनिवर्सिटी को दें जो आपने जो किसी और नेटवर्क पे ना हो। इसके बाद अगर हम बात करें वर्कशॉप की, तो वर्कशॉप का पहला जो बैच है वो शेड्यूल हो चुका है और वो जो पहला बैच है वो आई थिंक MA की क्लासेस हैं और वो 26 से स्टार्ट है। 26 से 31 दिसंबर तक आपका पहला बैच जो है वो शेड्यूल हो चुका है, जिसकी क्लासेस 26 तारीख से स्टार्ट होंगी 31 तक, और उसके बाद फिर सेकंड बैच आएगा और इसके बाद क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। सब स्टूडेंट्स को पता है, जिस स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है कि आपको मैसेजेस आ जाएंगे आपकी वर्कशॉप के हवाले से, आपके यूजर नेम पासवर्ड के हवाले से। अगर फिर भी आपको मैसेज नहीं आता तो आपने लाजमी अपने रीजनल ऑफिस से रब्ता करना है और या फिर हेल्पलाइन पे कॉल करके कंफर्म करना है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपके कमेंट का आंसर करूं। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने YouTube चैनल AIOU HD को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।